कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। जब भी कोई शेफ पहली बार अपना शेफ कोट पहनता है, अपनी हैट डालता है, अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म पहनता है, तो जो उसका एहसास होता है बहुत ही सुखदाई होता है। और इसको बयां करना किसी भी वीडियो के माध्यम से या बोल के बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एहसास सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होता है जिसने कि वो यूनिफॉर्म डाली है। जी हाँ, इस यूनिफॉर्म को पहनने के साथ साथ हमारी कई सारी जिम्मेवारियाँ भी आ जाती है, अपने समाज को, अपनी जो इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने की, अपने गेस्टों को सेटिस्फाई करने की, अपने खाने के द्वारा, अपनी कला के द्वारा। पर क्या जो ये यूनिफॉर्म है ये सिर्फ एक शो पीस है? क्या सिर्फ ये इसलिए है कि हम लोग अलग नज़र आएँ, या फिर इसके कुछ और कारण हैं? तो आज हम सब ये बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ लाल वाला बटन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, साथ साथ एक बेल आइकन आएगा, आपको उसे भी प्रेस करना होगा ताकि जो नई वाली वीडियोज़ हैं आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। अब आपके स्क्रीन पे धीरे धीरे करके वो शेफ़ की जो यूनिफॉर्म की जो पार्ट्स हैं वो आने लगेंगे, और मैं आपको उनके बारे में धीरे धीरे करके बताता जाऊँगा। जो सबसे पहली जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म की, मैं आपको वो बताता हूँ। जो भी इसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, अगर आप उसको पहन रहे हो तो ना ज़्यादा गर्म हो, जो ना ज़्यादा ठंडा हो। और दूसरा, ये जो मटेरियल होगा वो ऐसा होगा जिस पे भी आग जल्दी से ना पकड़ सके। जी हाँ, अगर आप आग में काम कर रहे हैं, हम लोग एज यूजर जैसे हम लोग किचन में आग में काम करते हैं, तो ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि आग को ना पकड़े। तो इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, एक आपके मटेरियल का जो आग जल्दी ना पकड़े, दूसरा ये आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुँचाए। तो जो सबसे पहले हम लोग जो जिस जो पीस के बारे में बात करेंगे वो है हमारी शेफ हैट। शेफ हैट आपने देखा होगा कहीं पे, ये लंबी पेपर वाली होती है, कहीं पे आजकल कपड़े की भी आ रही है, पर इसका मेन कारण सिर्फ यही है कि जो आपके बाल हैं वो आपकी टोपी के अंदर ही रहें, वो खाने में ना गिरे। मेन पर्पस इसका यही है। दूसरा, जो आपके जो पसीना आता है ये बालों के यहाँ से, ये उसमें ही कैप्चर हो जाता है, उससे नीचे वो नहीं आ पाता। और आप जो डिस्पोजिबल कैप्स होती हैं, जब भी आप वो गंदी हो जाए तो आप उसको निकाल के फेंक सकें, तो ये इसका पर्पस होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा गियर आता है वो होता है हमारा स्काफ। जी हाँ, हमारा स्काफ। स्काफ कई होटल्स में वाइट होता है, कई होटल में ब्लैक होता है, कहीं कहीं पे ये पोजीशंस के हिसाब से भी होता है। जैसे कि चेक्स वाले जो हमारे स्काफ्स होते हैं वो हमारे जूनियर स्टाफ के लिए होते हैं, जो हमारे हमारे वाइट कलर के आप बोल सकते हैं वो हमारे सीनियर स्टाफ के होते हैं। ये डिपेंड करता है हर होटल पे, हर रेस्टोरेंट पे, जैसा भी वहाँ चल रहा है। अब जो ये स्काफ होता है हम लोग गले में पहनते हैं, तो जो आपका ये कानों से लेके और जो ये गले तक का पसीना उसमें कैप्चर हो जाता है, बाकी जो शरीर से बदबू निकलती है वो भी यहाँ पे बंद हो जाती है। तो मेन आपके स्काफ का काम है एक तो आपकी पोजिशंस को दिखाना, आप किस पोजिशंस पे हो, दूसरा आपके जो शरीर की जो बदबू यहाँ से निकल के आ रही है उसे कैप्चर करना, और आपके पसीने को कैप्चर करना। तीसरा होता है हमारा शेफ कोट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। शेफ कोट का जो मटेरियल होता है हमेशा कॉटन वाला लिया जाता है अधिकतर, या इससे भी कोई एडवांस मटेरियल्स आ गए अब तो वो होटल्स में यूज़ किए जाते हैं। अब हमेशा आपने देखा होगा जो अधिकतर है जो शेफ कोट वाइट ही होता है। वाइट रखने का मेन कारण यही है कि आप वो जल्दी गंदा हो जाए और आप उसको बदल सके, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए हम लोगों को रोज कपड़े बदलने चाहिए, उसी प्रकार से शेफ कोट अगर गंदा हो जाएगा, वाइट कलर का होगा, तो जल्दी नजर आएगा, लोगों की नज़र में आप आओगे और आप उस कोट को बदल दोगे। दूसरा, आप ये कोट आपके जो होता है हमेशा डबल साइडेड होता है, इस तरह से और इस तरह से। तो ये दो साइडेड होने का कारण क्या है कि जब भी हम लोग इधर उधर पलटते हैं उसको, तो जो बीच में जो हमारा जो ये एरिया होता है ये थोड़ा हैवी हो जाता है। हैवी हो जाता है मतलब कि आपकी इसमें दो परतें आ जाती हैं। तो जब भी आप लोग हीट के आगे काम करें, चूल्हे के आगे काम करें, ओवंस के आगे काम करें, तो डायरेक्ट हीट आपकी छाती पे नहीं लगती है और आप गर्मी से बचते हो। दूसरा, जो इसके जो पल्ले होते हैं आप चाहे तो इस तरफ से भी पहन सकते हैं, इस तरफ से भी पहन सकते हैं, तो ये इस कारण होते हैं दो पल्ले या आपके दोनों साइडेड बटन इसलिए होते हैं ताकि बीच में आप लोग काम कर रहे हैं किचन में कुछ भी गलती से लग जाए तो आप टाइम बचाने के लिए उसको बदल सके, आप जाके यूनिफॉर्म चेंज ना करें और सेम यूनिफॉर्म आपकी उस दिन पूरे में चल जाए। दूसरा, इसके अंदर आपके अगर आप कहीं पे देखेंगे अच्छी यूनिफॉर्म्स के बाजू में यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बनाए होते हैं, होल्स का कारण यही है कि आपके यहाँ पसीना ना हो और पसीना आपका निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके कोट्स में होनी चाहिए, और जो मटेरियल होना चाहिए आपका कॉटन, इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल आने लगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राउजर्स की।
ट्राउजर्स कहीं पे चेक होती है, कहीं पे ब्लैक होती है, तो ये डिपेंड करता है पोजीशंस के ऊपर। पर मेनली जो चेक्स होती है वो हमारे कॉमी लेवल्स पहनते हैं, और जो हमारी ब्लैक वाली जो ट्राउजर होती है वो हमारे सूस शेफ या उससे ऊपर एग्जीक्यूटिव शेफ, कॉर्पोरेट शेफ्स पहनते हैं। डिपेंड करता है ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, होटल्स टू होटल्स। अब जो ये पैंट होती है इसके अंदर जो, अगर एक प्रॉपर में बोलूँ, जो शेफ लोगों की पैंट होती है उसमें कभी भी हमारा जो ये बटन्स नहीं होती है, हमेशा हमारी लास्टिक वाली पैंट होनी चाहिए। जी हाँ, इसका भी एक कारण है, शेफ लोगों की पैंट हमेशा लास्टिक वाली होनी चाहिए। इसका कारण है कि अगर कुछ आग लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो पैंट को हम लोग सीधा खींच के निकाल सकें। जी हाँ, ये इसका कारण है। अगर अगर आग लग गई और आप लोगों ने वो बेल्ट बांधी या कुछ ऐसा बांधा है, तो उसे खींचने में हमें मुश्किल होगी और वो पैंट उतर नहीं पाएगी। हो सकता है वो शेफ़ या कुक अपनी जान खो बैठे। तो इस प्रकार से जो पैंट है उसमें इलास्टिक लगी रहती है, ताकि वो खींच के आसानी से निकाला जा सके। और इसमें जो मटेरियल होता है वो भी इसी प्रकार का होता है, जिसमें कि आग हमारी कम लगे या देर से लगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे शूज़ की। शूज़ हमेशा हमारे ब्लैक होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, जिनके आगे टो पे लोहा लगा हो, ताकि कुछ भी भारी चीज़ें अगर हमारे पंजों पे गिरे तो हमारे पंजों को नुकसान ना हो। और साथ साथ जो आपके शूज़ होने चाहिए वो एंटी स्किड होने चाहिए, जिससे कि आप फिसले ना। और साथ साथ आपको ब्लैक सॉक्स का भी प्रयोग करना है, ताकि आपके जो पैर का पसीना है आपके शूज़ में ही रहे, आपके पैरों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और आपके पैरों की बदबू भी आपके जो वहाँ किचन में काम करें वहाँ ना फैले। उसके बात करेंगे हम लोग बात करेंगे एप्रन्स की। एप्रन का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने गले से बांध के करते हैं, या हम लोग जहाँ शो किचन, लाइव किचन में होते हैं, तो हम लोग कमर से नीचे के बांध के रखते हैं। अब इस एप्रन का प्रयोग सबसे पहले तो एक हमें प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, क्योंकि जब हम लोग कोट पहन रहे थे तो हमारे यहाँ दो पल्ले आ जाते हैं, जिससे कि हमारी छाती का बचाव होता है। पर ये हमारी कमर से नीचे जो हमारा बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे, यहाँ पे इसे कवर करने के लिए एप्रन होता है। तो यहाँ पे भी दो परतें आ जाती है, एक आपकी पैंट की, दूसरा आपके एप्रन की। तो ये चीज़ें होती है। और तीसरा हमारे इसमें, आप चाहे तो अपने एप्रन्स के साइड में अपने जो किचन के डस्टर्स होते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि आपके किचन के डस्टर आप कंधे पे या कहीं और नहीं टांग सकते। तो ये मेन काम हो गया हमारे एप्रन का। और इसके बाद हमारे जो सबसे लास्ट है वो है हमारे किचन डस्टर। किचन डस्टर आप लोग यूज़ करते हैं कहीं भी किसी भी भारी चीज़ को या गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए, स्पेशली गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। और यूज़ करने के बाद आप लोग अपने एप्रन्स में उसे डाल देते हैं। इसके अलावा जो ये जो आपके जो ये डस्टर्स होते हैं, किचन डस्टर्स, जैसे कि मैंने बताया, ये भी डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप गर्म यूज़ कर रहे हो तो रेड हो, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता रहता है। तो ये देखिए, मैंने आज आपको टोटल बता दिया कि आपके पूरे हर एक यूनिफॉर्म का क्या कार्य है और किस प्रकार उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चाहे तो मुझे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, और मैंने लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस बना दी हैं। अगर आप चाहें तो हर एक वीडियो को देख के अच्छा से नॉलेज ले सकते हैं और लाइफ में हमारी होटल इंडस्ट्री में आगे ग्रो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पास तब भी कुछ सवाल होंगे मेरे पास नए वीडियोस बनाने के लिए, जिनका कि मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।